आपका दोस्त साहिल खान वेस्टीज फैमिली से, और आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक बनाने वाला हूँ कि हाउ टू क्लोज द प्लान या मीटिंग्स कैसे समापन करें, समाप्त कैसे करें। बहुत सारे दोस्तों प्लान दिखाते हैं, वेस्टीज का प्लान दिखा रहे हैं, मीटिंग्स अच्छी हो रही हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही हैं। लोगों को प्लान दिखाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लोगों को ज्वाइनिंग कराने में उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। सब कुछ सही रहने के बावजूद भी ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही है। तो दोस्तों बहुत सारे कॉल्स आए मुझे इस बारे में कि सर प्लान अच्छा दिखा रहा हूँ, मीटिंग्स भी हो रही हैं, बट पता नहीं क्यों मेरी टीम में ना ज्वाइनिंग्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका लिए कुछ कीजिए। तो दोस्तों आज मेरा जो टॉपिक है कि कैसे ऐसा क्या प्लान में बताएं उसको कि आपकी ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप मीटिंग्स दिखाते हैं, तो जब आप मीटिंग दिखाते हैं और जब मीटिंग क्लोज होती है, मतलब प्लान दिखाने के बाद की जो बात करो, तो वहाँ से थोड़ा सा काम आपका चालू होता है, जिसको मैं कहूँगा कि उसको आप फॉलो भी बोल सकते हो, और सामने वाले के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है, जब आप उसको प्लान दिखा दिए, मीटिंग दिखा दिए, तो बहुत सारे लोगों को एक्साइटेड, मतलब जोश इतना ज़्यादा होता है, उसको एनर्जी देख के आपको पता चल जाएगा ये बंदा ज्वाइन करेगा। बट कुछ लोगों का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये हाँ में है, इसको प्लान समझ में आया या नहीं समझ में आया, आप कन्फ्यूज रहोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है, उसको प्लान दिखा दो सब चीज़ अच्छा है। दोस्तों सोच के देखो, आज ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है कि जहाँ पे बंदा एक महीने के अंदर में पार्ट टाइम अपनी नौकरी के साथ साथ 1,00,000 रुपये महीना कमा सकता है, और हम यही अपॉर्चुनिटी सामने वाले को दे रहे थे, बट उनका रिएक्शन तब भी हाँ ठीक है बताइए। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, वो अभी वो एक्साइटमेंट मूड में आया नहीं है, मतलब आपकी जो बातें उनको आपने शेयर करी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी गया नहीं है। दूसरी चीज, हो सकता है कि आपकी बातें वो सुन रहा हो सही ढंग से और उसके मन में बहुत सारी डाउट्स हैं। दोस्तों खुद सोच के देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगले बंदे को जब आप मीटिंग दिखा रहे हो तो उसके मन में कुछ चल रहा हो। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है जो आपको समझना पड़ेगा, उसके मन की बातें। क्यों? क्योंकि सोच के देखिए दोस्तों, आज से पहले जब आपकी ज्वाइनिंग्स नहीं हुई थी, जब आप प्लान देख रहे थे और आपको कोई प्लान दिखा रहा था, क्या दोस्तों आपके मन में कोई बात नहीं चल रही थी? आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी ना, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रही थी। दोस्तों मेरे मन में तो बहुत सारी बातें चल रही थी। क्यों? क्योंकि मैं तो वो इंसान था जो नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव होने की कगार पे आ चुका था, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले 3-4 कंपनी कर चुका था, तो मेरे मन में भी आ गया अच्छा फिर से नेटवर्किंग, ये तो वही होगा, उसी तरह का काम है, पैसे लगाओ, बंदे के पैसे लगाओ, है ना। तो हर किसी इंसान के मन में जब आप प्लान दिखाते हो तो उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है। अभी समझदारी क्या है, वो अपना डाउट्स आपको बोलेगा भी नहीं। दिक्कत तो यही होती है कि वो बोलेगा, आप उससे पूछोगे कि सर आपको समझ में आ गया, बोलेगा हाँ सब कुछ समझ में आ गया, कुछ पूछना है नहीं, कुछ नहीं पूछना है। अभी जब बंदा पूछ नहीं रहा है तो अब आप उसको बताओगे क्या, सॉल्यूशन क्या दोगे? बीमारी का पता जब चलेगा तभी तो आप उसको कोई दवाई दोगे, बट अगला बंदा बोल रहा है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ जी सब कुछ समझ में आ गया, अब आप हो जाते हो कन्फ्यूज। अब बंदा ये भी नहीं बोल रहा कि हाँ ज्वाइनिंग करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको सारी चीज़ें हो गई, अब क्या मैं ऐसा बोलूँ ये बंदा ज्वाइन करे हमारे साथ में। तो दोस्तों वो बोलेगा नहीं। अब मैं आपको वो टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिस पे आपको आपको काम करना है। इसको बोल सकते हैं दोस्तों उसकी मन की बातें पढ़ना। या दूसरी चीज़ कि जब आप ज्वाइनिंग कर रहे थे या आपने वेस्टीज का प्लान सुन रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या क्या सवाल चल रहा था वो सोच के देखिए। आज उसकी बारी है, वो आज वो टेबल के उस साइड वो बैठा हुआ है, तो उसके दिमाग में भी वही सवाल चल रहे होंगे। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के उस बातों तक पहुंचना है। दोस्तों कैसे, जैसे मैं बोलता हूं दोस्तों, आज अगर आप प्लान देख आप जब दिखा रहे थे किसी को, ठीक है, आज आप प्लान दिखा रहे हो तो उसके मन में क्या क्या सवाल चल रहा है वो बोलेगा नहीं, बट आपको क्या करना है, आपको ये चीज बातें उसको ऐसी करनी चाहिए कि जब मेरे को प्लान दिखाया गया था तो मुझे भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई थी, क्योंकि दोस्तों एक दिन में तो सब कुछ समझ में आने का है ही नहीं वैसे भी। तो हो सकता है उसके मन में भी अभी डाउट्स चल रहा हो, तो वो बोलेगा नहीं, बट आप उसको बोलो कि जब मेरे को प्लान दिखाया गया था तो मुझे भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई थी, बट मैंने एक चीज़ सोचा कि जब कोई भी काम समझ में तब आता है जब हम उस काम को करते हैं, अभी बिना किए तो समझने वाला है नहीं ना। अच्छा दोस्तों खुद सोच के देखो, दोस्तों आज जो हम मेंटिलिटी से जी रहे हैं, हमारी जो मेंटिलिटी है 15-20 सालों की मेंटिलिटी क्या है, 40,000-50,000 महीना कमाने की, अभी एकदम से आप उसको 1-2 लाख-5 लाख वाली मेंटिलिटी पे ला तो नहीं सकते ना, और रातों रात तो आएगा नहीं, तो उसको यहाँ 1,00,000 रुपये मेंटिलिटी पर पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि उसको बताओ आप कि जब मैं इस बिजनेस को देख रहा था तो मेरे मन में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, सबसे पहला तो मुझे सब कुछ समझ में नहीं आया, बट फिर भी मैंने बोला कि समझ में तो धीरे धीरे आ ही जाएगी, बट पहले करना स्टार्ट पड़ेगा। अच्छा दूसरी चीज़, मेरे मन में एक दिक्कत और थी कि मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम पर क्या ये काम करना पॉसिबल है? अभी दोस्तों ये सवाल आप बोल रहे हो उसको, ये सवाल उसका भी तो हो सकता है, अभी वो बोलेगा नहीं टाइम वाली प्रॉब्लम, बट आपको अपने ऊपर लेके ये चीज़ उससे बाहर निकलवानी होगी कि दोस्तों
आपके हो सकता है कि आपका ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को देखा था मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं इस बिजनेस को टाइम पार्ट टाइम कैसे करूंगा, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ ऑलरेडी, नौकरी के साथ साथ करना क्या पॉसिबल है। फिर मेरे को सर ने समझाया, जिनसे जिनको जिन्होंने मेरे को ये बिजनेस दिखा रहे थे, उन्होंने बताया कि बिल्कुल सर इस काम को आप 2 घंटा दिन में भी करना करोगे तो भी ये पॉसिबल है, और यहाँ पे भी 1 लाख रुपये महीना आप कमा सकते हो आने वाले टाइम के अंदर में। ठीक है, और सवाल दोस्तों, अभी बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है पार्ट टाइम तो कर लूँगा, बट क्या मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊँगा, क्या मैं लोगों को ज्वाइन करा पाऊँगा। तो इस तरह आप खुद का सवाल क्रिएट करना पड़ेगा कि ये आपका सवाल थे ज्वाइन होने से पहले, बट जब मैंने सर से पूछा कि मैं पार्ट टाइम करूँगा तो ये पॉसिबल हो पाएगा, तो उसने जवाब दिया कि हाँ हो जाएगा। फिर मैंने सवाल किया कि मैं लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाऊँगा तो कैसे होगा। तो दोस्तों ज्वाइन कराना नहीं आपको, ये बिजनेस आपको ज्वाइन कराने का नहीं है दोस्तों, हम इसमें तो शेयर करते हैं, शेयर करना है। क्या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में लोगों से शेयर कर सकते हो? तो कोई भी इंसान शेयर कर सकता है और आप भी कर सकते हो। अब रही बात दोस्तों कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, ये दोस्तों इसको लॉ ऑफ एवरेज का खेल बोलते हैं दोस्तों। हर कोई ज्वाइन नहीं करेगा और हर कोई मना भी नहीं करेगा। आपका काम है अपने जानने वालों को सिर्फ शेयर करिए। इतना कर सकते हैं? बोले बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर इतना कर सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा, बशर्ते कोई भी मीटिंग्स, अगर शुरुआती दिनों की बात रही तो मीटिंग्स आप अकेले मत करना, मैं आपके साथ चलूंगा। क्या इतना कर सकते हो आप? आप लोगों से शेयर करोगे, मीटिंग्स दिखाने का काम मेरा रहेगा, अगर किसी को मीटिंग दिखानी रहेगी तो वो बोलेगा हाँ इतना तो मैं कर लूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से उसके मन का सवाल, वो बोलेगा नहीं आपको, बट आप अपने ऊपर लेते हुए उसके मन के ऊपर कि शुरुआती दिनों में मेरे को ये था, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, लोगों को नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके से आपको बात घुमा के करनी है और उसके मन के चीजों को पढ़ते हुए आपको उसका सोल्यूशन देना है। दोस्तों इतना होने के बाद जब वो बोलेगा हाँ ठीक है करता हूँ, फिर भी अभी उसके मन में चल रहा है अच्छा सोचता हूँ करता हूँ नहीं करता हूँ, अगर वो बोलता कि चलो ठीक है मेरी आईडी लगा दो तब तो डन हो गया, बट अगर अभी भी वो अगर नहीं बोल रहा है कि मेरी आईडी लगाओ, तो बोलना है सो दोस्तों कि मुझे लगता है कि आप अभी भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोचते रहिए कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या मेरे कहने पे क्या आप अभी सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके देख सकते हैं? क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो मैं एक बार, क्या आप मेरे पर टेस्ट कर सकते हो दोस्तों? आप उसके जानने वाले हो तभी तो आप उसको प्लान दिखा रहे हो, बोले हाँ आपके ऊपर तो मेरे को भरोसा है। तो मेरे कहने से क्या अभी एक बार 1500-2000 रुपये प्रोडक्ट यूज करके देख सकते हो? रही बात बिजनेस की, अगर आपको बिजनेस समझ में आया तो आप करना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या वो हाँ या ना बोलेगा? अब वो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी बात कर दी कि आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अभी मुंह पे तो आपको बोलेगा नहीं कि नहीं मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता, बोलेगा ठीक है तेरे कहने पे मैं यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक उसको आंसर मोड में ले आया कि हाँ वो यहाँ पे आ चुका है। अभी दोस्तों उसको बोलिए कि देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप अभी बिजनेस करें ना करें, बट मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपको कामयाब बना के रहूंगा, क्योंकि आज मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं तो पैसा कमाऊंगा ही कमाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि इस बिजनेस से आप भी पैसा कमाओ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। रही बात आप काम करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, बट जहाँ तक मैं हूँ ना, मेरे पास भरोसा कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सामान जब ले ही रहे हो तो अपनी आईडी क्रिएट कर लीजिए। आईडी क्रिएट करने से क्या होगा, हमारे यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग्स आती रहती है, क्योंकि देखो मैं तो काम कर ही रहा हूँ ना, मैं तो फुल टाइम या भी वेस्टेज ही कर रहा हूँ या पार्ट टाइम वेस्टेज कर रहा हूँ, तो डेली के मैं 2-4 मीटिंग्स करता हूँ। अब डेली में मुझे 2-4 ज्वाइनिंग्स, मान लो 10 दिन हफ्ता दिन में 1-2 लोग की ज्वाइनिंग्स तो आ ही जाती है, बट अगर आपने आईडी बना के रख ली है तो आपके नीचे मैं 1 या 2 आईडी लगा दूंगा, बट वो तभी पॉसिबल होगा जब आप आईडी बना लोगे। अभी बताओ दोस्तों उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो उसको एक चीज समझाते हो, उसको समझाना है जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ डिले, लॉस ऑफ डिले। दोस्तों फायदे वाली बात आपने ना बहुत कर ली, अभी तक सब कुछ समझा दिया होगा आपने, अब आपको नुकसान वाली बात करनी है, उसको थोड़ा सा नुकसान दिखाना है कि अगर अभी आप आईडी बना लेते हो तो क्या फायदा होने वाला है, और अगर अभी आप आईडी नहीं बनाते हो तो क्या नुकसान होने वाला है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस माध्यम से आप उसको समझा सकते हो। देखिए दोस्तों ये रहे आप मतलब सामने वाला, अभी जो एक पोजीशन है, अभी अगर आप हमारे साथ आईडी बना लेते हैं तो अभी आपको जो पोजीशन मिलने वाली है वो है ये पोजीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आए दिन किसी न किसी की ज्वाइनिंग्स लगाता रहता हूं, तो मान के चलिए आपके नीचे आ गया बी और उसके नीचे आ गया सी और उसके नीचे आ गया डी। अभी अगर आपने अभी आईडी नहीं बनाई तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली पोजीशन किसी और को चली जाएगी, और यहाँ पे कोई और आ जाएगा, यहाँ पे कोई और आ जाएगा, यहाँ पे कोई और आ जाएगा। अभी मान के चलता हूँ कि आपने अभी ज्वाइनिंग नहीं कराओ और आपने 2-4 दिन का टाइम ले लिया, 10 दिन का टाइम ले लिया और आपकी ज्वाइनिंग्स हम यहाँ लगाते हैं। अभी इतना तो आप भी समझदार हो ना, अगर आप यहाँ ज्वाइनिंग करते हो और पूरे 1 साल की अगर हम बात करते हैं, पूरा 1 साल हम और आप मिलकर काम करते हैं, ठीक है,
आपको तो अभी शुरुआत के दिनों में यही करना है कि आप अपने कॉन्टेक्ट से लिस्ट बनाओगे और लिस्ट की मीटिंग मैं करूंगा, आप सिर्फ साथ में रहोगे, मीटिंग्स करने की जिम्मेदारी मेरी है। और आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सिर्फ आपको एक चीज करना है, क्या करना है, संडे का एक दिन और पूरे महीने में एक सेमिनार में आपको आना पड़ेगा। क्या इतना तो कर सकते हो ना, 1,00,000 रुपये महीना कमाने के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? वो बोलेगा हाँ इतना तो कर सकते हैं, तो फिर आइडिया बनाइए ना। और अभी तक नहीं समझ में आया तो उसको ये लॉस ऑफ डिले समझाना है आपको कि दोस्तों देखो अभी हम और आप जब मिलकर काम करेंगे तो कम से कम एक साल के अंदर में, अगर हम बात करें पूरे यहाँ इस बिजनेस में, तो कम से कम बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साल में काम करके 500,000 लोगों की आईडी बना लेते हैं, मतलब टीम बना लेते हैं। बट मैं यहाँ पे कम लेके चलता हूँ दोस्तों। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरा जो पहले साल की पूरी टीम की संख्या थी वो 1200 के आसपास थी, मतलब एक साल के अंदर अंदर मैंने 1200 लोगों की टीम बना ली थी। बट जरूरी तो नहीं है कि हर कोई 1200 की टीम बना लेगा, कोई मेरे से ज़्यादा भी कर सकता है और कोई हो सकता है कम भी हो सकता है। बट दोस्तों जो इस बिजनेस में सीरियसली कर रहा है, मतलब करने के मकसद से कर रहा है कि हाँ मुझे वेस्टिज में कामयाब होना है, तो दोस्तों मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कम से कम 200-300 लोगों की टीम तो उसकी बन ही जाती है, 200-300 लोगों की टीम बन जाती है ना। अभी मैं बोलता हूँ कि 200-300 को भी गोली मारो दोस्तों, क्या 100 लोगों की टीम बनेगी कि नहीं बनेगी? आपने और मैंने मिलकर 100 लोगों की टीम बनाई तो क्या ये 100 का टीम ये भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 100 की टीम इसके भी और 100 की टीम इसके भी। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी टोटल टीम 100, इसकी टोटल टीम 200, इसकी टोटल टीम 300 और इसकी टोटल टीम 400। अभी सिर्फ बात टीम तक में नहीं सीमित है, अभी अब आते हैं इनकम के ऊपर आते हैं दोस्तों। एक साल बाद जो इसकी महीने की आमदनी होगी, इसकी 10,000 रुपये महीना होगा, इसका 20,000 रुपया महीना होगा, इसका 30,000 रुपया महीना होगा और इसका 40,000 रुपया महीना होगा। अभी आप खुद सोच के देखिए इसकी ज्वाइनिंग और इसकी ज्वाइनिंग में अंतर क्या था। इसने भी 1,500 का सामान लेकर स्टार्ट किया था बिजनेस को और इसने भी 1,500 का लेकर सामान किया, बट दोनों में अंतर था तो टाइम का अंतर था। ये 2-4 दिन पहले किया ज्वाइन और ये 2-4 दिन बाद किया था। बस इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बिजनेस को समझते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरे कहने पे, मेरे ऊपर भरोसा है तो मेरे कहने पे अभी आप आईडी बना लीजिए, मैं आपकी आईडी क्रिएट कर देता हूँ और कुछ करना नहीं, आपको अपनी आईडी पे ही सामान लेना है, अच्छी बात रहेगी। तो दोस्तों जब उसको अपना नुकसान समझ में आएगा, फायदा समझ में आए ना ये बात है, उसको नुकसान लगे कि हाँ यार सच बोल रहा है ये बंदा कि मैं ज्वाइन तो अगर मैं आईडी लगा भी लेता तो मेरी जेब से वैसे तो कुछ जा नहीं रहा है, सामान लेने की बात रही तो मैं अपनी आईडी पे लो चाहे इसकी आईडी पे लो, बात तो मेरे लिए वो भी है, बट अगर मैं आईडी बना लेता हूँ तो मुझे ये पोजीशन का फायदा मिल जाएगा क्योंकि यहाँ वाला बंदा सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहा है और यहाँ वाला बंदा 40,000 रुपये महीना कमा रहा है। दोस्तों एक क्लोजिंग टेक्निक लास्ट में उसको लॉस ऑफ डिले जरूर बताया करें, अगर उसको अपना नुकसान समझ में आ गया ना वो बंदा ज्वाइन जरूर करेगा, अपना आईडी लगा ही लेगा वो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना भूले। और दोस्तों अगर कमेंट में आप बता सकते हैं कि मैं अगला टॉपिक क्या बनाऊं, बहुत सारे लोग मेरे को इस बारे में बताया था कि सर क्लोजिंग पे बताइए, तो मेरे को क्लोजिंग पे ये बने आपको बताया। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेल।